अब बेटा मैं दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट एडिटिंग को ऑन कर रहा हूँ, कर लूँ बेटा, इजाजत है? यस सर। तो बेटा यहाँ मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो जहां पर माउस का पॉइंटर है, ये जो फीचर है, ये यहां पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर एक सिलेक्शन टूल है बेटा, मैंने आपको बताया था, एडिटर टूल के अंदर इसको कहते हैं एडिट टूल, इसको कहते हैं, ठीक है बेटा, या सिलेक्शन भी कहते हैं। इसको सबसे पहले हम क्लिक करेंगे और हमने सिलेक्ट कर लेंगे उस फीचर को जिसको हमने चेंज करना है, और फिर उसको आप, ठीक है बेटा, देखा आपने मैंने उसकी जगह चेंज कर दी है। यस सर। ठीक है बेटा, आप जगह चेंज कर सकते हैं, बस उसको क्लिक करके आपने माउस से आप जिधर मर्जी ले जाए, मैं इसको यहां पे लेके जाना चाहूँ। आर यू गेटिंग माय डियर? तो यहां पर अब आपने क्या करना है, अब बेटा यहां पर देखें, मैं ये सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसको सिलेक्ट करना है, इसको कर लिया, और इसका मैं कोई नाम रखना चाहता हूं। बेटा मुझे बताइए सिटी का क्या नाम रखें? सर लाहौर रखते हैं। लाहौर रखते हैं। अच्छा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपने कॉपी पे लिख लें बेटा, अगर हमने किसी फीचर के लिए कोई हमने एट्रीब्यूट डेटा ऐड करना है, यानी हम किसी फीचर का नाम ऐड करना चाहते हैं एट्रीब्यूट टेबल में, अगर स्टार्ट, अगर हमने एडिटर को के अंदर जो है स्टार्ट एडिटिंग को ऑन नहीं किया हुआ, तो क्या हम वहां पर एट्रीब्यूट टेबल के अंदर कोई एंट्री कर सकते हैं? नो सर। कि अगर हमने एट्रीब्यूट टेबल के अंदर अगर कोई हमने डाटा एंटर करना है, एट्रीब्यूट डाटा को एंटर करना है, तो हमें स्टार्ट एडिटिंग को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट एडिटिंग को ऑन करना पड़ेगा, और आपको क्या करना है, जिस फीचर का आपने नाम रखना है उसको आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है मिस्टर बेहजाद, बेटा यहां पर ये जो फीचर है, चलें बेटा मैं ये कर देता हूं, मैं इसका नाम इस्लामाबाद रखना चाहता हूं। तो क्या करूंगा, सबसे पहले सिलेक्शन या एडिट टूल को क्लिक करूंगा, और मैंने क्या करना है बेटा, उस फीचर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है बेटा, मिस्टर बेहजाद आर यू देयर? यस सर। बेटा बेहजाद मैंने ये क्या करना है, ये जो फीचर आपको नजर आ रहा है जहां पे माउस पॉइंटर है, यस सर, मैंने एडिट टूल को क्लिक करने के बाद मैंने इस फीचर को क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया है। अब मैंने इसका नाम रखना है और मैंने इसकी आबादी के बारे में डाटा एंटर करना है, तो मुझे क्या करना है, यहां से पहले आपने एडिट टूल को क्लिक करके आपने सिलेक्ट कर लें अपने फीचर को, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टेबल ऑफ कंटेंट विंडो को, टेबल ऑफ कंटेंट की विंडो को क्लिक करें, ओपन करें, और यहां पर आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, जो लेयर ऑफ डेटा था आपकी शेप फाइल थी, और आपने क्या ओपन करना है, एट्रीब्यूट टेबल। तो बेटा यहां पर जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा फीचर वो आपके सामने आ रहा है, और हम यहां पर सिटी को क्लिक करें। बेटा मैं इसका सिटी का नाम रख रहा हूं इस्लामाबाद, क्या नाम रखा है? ठीक है बेटा, इस्लामाबाद क्या रखा है बेटा, इस्लामाबाद। और इसकी पॉपुलेशन क्या है आपको पता है? 1.1 है, तो हम यहां पर 11 कर देते हैं। सर 1.1 मिलियन। 1.1 का मतलब क्या बनता है मिलियन? 11 लाख है, और हम यहां पर 11 का मतलब हम यहां पे ले रहे हैं जो लैक्स में, ठीक है। हम आप इसको एडिट भी कर सकते हैं कि आप पॉपुलेशन जो है उसकी जो आपने रखना है वो आप पॉइंट्स में रख लें, ठीक है। यहां 11 लाख आबादी है इसकी, ठीक है बेटा।